हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज का वीडियो हाउस वाइफ्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो जाने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में बात कर लेने वाले हैं एक ऐसे हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट के बारे में जो कि ब्रांडेड अफोर्डेबल होने के साथ साथ गाइस आप सभी के लिए काफ़ी हार्मफुल प्रूफ होने वाला है आज का रिव्यू। बिकॉज आपने बहुत सारे रिव्यू देखे होंगे फ्रेंड्स मॉब्स के, या फिर फ्रेंड्स बहुत सारे और भी हाउस क्लीनिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके रिव्यू आपने देखे होंगे। बट आज इसका रिव्यू मैं आप सभी के लिए इसलिए लेकर आई हूँ गाइस कि जिन्होंने मॉप परचेज कर लिया है या जिनके पास मॉप नहीं है गाइस, यानी कि दोनों के लिए हेल्पफुल इसलिए होने वाला है। जिन्होंने मॉप परचेज कर लिया है उनको उसके बाद में अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने नया मॉप लेना है और ये मॉप हमारा अच्छी क्वालिटी का नहीं है या इसमें कोई भी इशू है, तो उसकी वजह से उनके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि हमें ये मॉब नहीं लेना है, तो अभी हमें कौन सा लेना चाहिए। और जिन्होंने मॉब नहीं लिया है तो उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होने ही वाला है, क्योंकि आप नेट पर जब भी सर्च करेंगे ब्रांडेड मॉब डालकर फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली बहुत सारे ब्रांड्स भी ओपन होकर आ जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि विदाउट ब्रांड भी आपके सामने मॉब आ जाएंगे, लेकिन पिक से क्लियर नहीं होता है कि कौन सा मॉब हमारे लिए हेल्पफुल होगा। बट आज जो मॉब आपसे शेयर कर लेने वाली हूँ फ्रेंड्स, सबसे अच्छा जो उसमें बात है वो ब्रांडेड है, अफोर्डेबल है, और साथ ही उसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो कि एक एज अ मॉप होने के लिए उसको मतलब क्लैरिफाई ना करे। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस मॉप को मंगवाया है और तभी मैं आज आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। सो गाइज, जो प्रोडक्ट है वो आप देख सकते हैं गाइज, ये प्रोडक्ट है सेलो ब्रांड का मॉप, जिसका कि कलर भी आप देख सकते हैं। मैंने ग्रे एंड वाइट मंगवाया, मेरे घर का ऑल ओवर जो कलर है फ्रेंड्स वो ग्रे एंड वाइट है, तो इसलिए मैंने इसको भी ग्रे एंड वाइट में ही मंगवाया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये इसमें जो रोड मिल जाते हैं, इस रिव्यू को मैं इसलिए दे रही हूँ गाइज आपको कि इसमें स्टफ का सबसे ज़्यादा इशू आता है हमारे सामने कि हमें स्टफ कैसा मिलेगा। मॉप तो सब लोग देख लेते हैं, उसमें फीचर्स वगैरह सब लिखे होते हैं, लेकिन उसके स्टफ़ का इशू, क्वालिटी इशू, कितने टाइम तक वो चलेगा, ये सारे क्वेश्चन मन में आते हैं जब हम कहीं पर पैसा डाल रहे हैं डेफिनेटली। तो इसका जो स्टील रोड है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज, मतलब क्योंकि मैंने मिल्टन का भी यूज़ किया है तो वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि ये है। और साथ ही मैंने जो है जो वाइपर मॉप आते हैं मैंने वो भी यूज़ किया, तो वो तो ज़्यादा चलते नहीं हैं, वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल नहीं होते हैं, तो उनको तो आप ना ही परचेज करें तो बेटर रहेगा। उसके बाद में गाइस इसके साथ में ये मॉप हेड आ जाते हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी के मॉप हेड है गाइस, मतलब इसका जो ये फैदर है ना गाइस, ये बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और प्रीमियम क्वालिटी का है। और साथ में जो इसमें ये राउंड हो रहा है ये मूव होने के लिए, मतलब इसका जो बहुत ही सॉफ्ट मूवेबल ये फंक्शन है, तो जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें रोड में अटैच करूँगी वो सब आप नेट पर भी देख सकते हैं किस तरीके से अटैच करते हैं। फिलहाल मेरा रिव्यू लाने का मतलब यही है कि मैं इसका आपको मटेरियल दिखा सकूँ, एटलीस्ट इसकी क्वालिटी दिखा सकूँ, तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है गाइज। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये जो सेकेंड मॉब दिया हुआ है, यानी कि दो मॉब इन्होंने दिए हुए हैं, इसमें भी मुझे एक बात ये अच्छा लगा कि इसमें जो इन्होंने ये अंदर से मतलब बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, ये जो आपस में अटैच्ड है ना वन बाय वन करके, तो ये बहुत ही मतलब फाइन क्वालिटी के साथ में, इनकी क्वालिटी काफ़ी सही है। और अकॉर्डिंग टू प्राइस गाइस, क्योंकि इसका MRP जो है 2149 है, बट ये मुझे गाइस 1200 में मिला है, तो इसका मतलब 1200 के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही अच्छा है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसमें जो है ना ये बहुत ही क्यूट सा बोतल मिल जाता है, जिसमें आप जब भी पोछा डालेंगे तो उसमें कोई भी क्लीनिंग फ्लोर क्लीनर आप उसमें डाल सकते हो, उसको आप यहाँ पर आराम से अटैच कर सकते हो, दैट इसमें आप पानी ले सकते हैं आराम से। और नेक्स्ट थिंग इज़ दैट, और काफ़ी अच्छा, मतलब मैं अगर आपको ऐसे भी दिखाऊंगा इस तो इस तरीके से मतलब काफ़ी जो इसका क्वांटिटी है वो भी अच्छा ही है। और ये जो स्टेनलेस स्टील का है फ्रेंड्स, बहुत से में प्लास्टिक का आता है जो कि जल्दी से जब पुश करेंगे तो वो बहुत जल्दी मतलब क्या होता है टूट जाता है, जो आता है इस तरीके से तो वो बहुत जल्दी टूट जाता है। उसके बाद में गाइज ये स्टेनलेस स्टील में है, और इसका स्टेनलेस स्टील ना ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा लाइट है, तो मीडियम स्टेनलेस स्टील है जिसको मतलब आप आराम से कैरी कर सकते हो। तो इस तरीके से मूव भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, अगर आप इसमें मॉप को मतलब पुल करेंगे तो बहुत अच्छे से मूव होगा। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट फीचर है फ्रेंड्स वो ये है, ये टैप जिसमें से आप पानी आराम से निकाल सकते हैं। बहुत से ऐसे मॉब होते हैं जिनमें कि पानी निकालने की सुविधा नहीं मिलती है,
तो वो एक तरह से इनकम्प्लीट मॉब मैं उसको बोलूंगी। नेक्स्ट इज दैट इसमें व्हील मिल जाता है गाइस, जिसको आप मूव करके वन रूम से सेकेंड रूम अनदर रूम कहीं पर भी आप ले जा सकते हो। देन इसमें जो सबसे प्यारा फीचर ये लगाइए, इस तरीके से आप जो है इसको हैंडल पकड़ के भी आप लेकर जा सकते हैं आराम से। आपको यहाँ से ऐसे मतलब वो ओड नहीं लगेगा कि आप कोई अगर आपका कोई भी रिलेटिव बैठा है और उसके सामने आप पोछा लगा रहे हैं तो आपको ओड फील नहीं होगा कि आप ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो आप इस तरीके से बहुत स्टाइलिश लुक के साथ में आप लेकर जा सकते हैं। वाटरफुल है, अगर आप लेना चाहते हो डेफिनेटली तो आप इसको ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, आप इसको कहीं से भी परचेज कर सकते हो गाइस। जस्ट अ हेल्पफुल वीडियो है ताकि आपको हेल्प हो जाए कि अगर आप अफोर्डेबल मॉब लेना चाहते हैं तो हम कौन सा लें, तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं।